ओके, लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था। देखो इधर, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमने, हम ये शीट कर रहे थे और हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी तक काम किया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर हमने कुछ एक्सप्रेशंस किए थे और फिर हमने प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ किया। ओम्स लॉ में ये रिजल्ट आए थे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के, फेलियर ऑफ ओम्स लॉ किया। आज क्या करेंगे, ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ओम्स लॉ को, ओम लॉ के एक और फॉर्म है, वो देखते हैं क्या फॉर्म है। ओम लॉ के अंदर अगर करंट डेंसिटी की फॉर्म में ओम लॉ को लिखना आए तो आपको लिखना है जे इज इक्वल टू सिग्मा इन टू ई। ये ओम लॉ है। आप कहेंगे किसी भी एंगल से ओम लॉ लग नहीं रहा, क्योंकि ओम लॉ होता है वी इज इक्वल टू आई आर और यहां पर क्या लिखा हुआ है, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, राइट। तो देखो इसको कैसे करना है। सबसे पहले लिखेंगे जे इज सिग्मा ई। जे का मतलब क्या होता है, करंट बाय एरिया। सिग्मा क्या होता है, वन बाय रो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर, वी बाय एल। तो ई की जगह वी बाय एल। वी और आई को एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ। तो आपके पास क्या आ गया, ये टर्म आ गई। रो एल बाय ए क्या होते हैं, रेजिस्टेंस आर। आर की वैल्यू क्या आ गई, वी बाय आई आ गई। तो यहां से क्या आ गया, वी इज इक्वल टू आई आर। तो इसका मतलब मानना पड़ेगा कि ये टर्म इज इक्वल टू ओम्स लॉ। कोई डाउट इसमें, क्लियर है। जब ये पेपर में आएगा, ध्यान से देखो, जब ये पेपर में आएगा तो आपने ये नहीं लिखना, आपने पेपर में ये उल्टा लिखना है। पेपर में ये लिखना है स्टार्ट विद ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर। इधर देखो सारे उल्टा देखो, स्टार्ट विद वी इज इक्वल टू आई आर, सारे स्टेप्स उल्टे हैं। आर इज इक्वल टू वी बाय आई, वी बाय आई। आर क्या होता है, रोएल बाय ए, और वी और आई में से आई और ए एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ। आई और ए की रेशियो क्या होती है, करंट डेंसिटी। वन बाय रो क्या होता है, सिग्मा, और वी बाय एल क्या होता है, ई। आंसर। तो ओम लॉ इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के लिए लिखो, फॉर एनसीईआरटी दिस इज इंपॉर्टेंट, लिख लो इसके ऊपर। ये सेम रिजल्ट बुकलेट के अंदर भी गिवन है, बुकलेट के अंदर इसका प्रूफ गिवन है, पर मुश्किल तरीके से गिवन है। यहीं से करना, इन नोट से करना। देखो फिर से देखो, जे इज सिग्मा ई। हाँ, ये तो याद करना है ना, ओम्स लॉ फॉर्मूला है। फिर मैंने, हाँ, तो इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी है, बिल्कुल। तो मैं प्रूव करके दिखा रहा हूं कि देखो इसमें से ओम लॉ कैसे निकला, कि जे में से जे को लिखा करंट बाय एरिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आर आ गया, वी इज आई आर। तो मतलब बीच में से निकल आया, ये बता रहा हूं। मतलब ये और ये एक ही बात है, ये बता रहा हूं। पेपर में आएगा ओम लॉ लिखो इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। तो ओम लॉ हमें तो ऐसा आता है, इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी के लिए यहां से यहां तक ले आना है, कि मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर इज रूएल बाय ए, तो यहां से आई बाय ए एक तरफ, आई बाय ए करंट डेंसिटी। आंसर क्लियर है यहां तक? तो ये लिख के आना है, एनसीईआरटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ओम लॉ इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी क्या होगा।